हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, दैट इज सीएसपी। और इस वीडियो में हम सीएसपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस की, चाहे हम अनइन्फॉर्म्ड की बात करें या इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक की बात करें, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टेट स्पेस के बारे में, जहां पे हम करते क्या है, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करते टाइम हम जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर, तो हम ट्री मेथड या ग्राफ मेथड यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को आगे एक्सप्लोर करने के हेल्प करने के लिए। तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम यूज करते हैं स्टेट स्पेस, लेकिन कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन में वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। काफी सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरीके से, जो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन में काफी रियल लाइफ एग्जांपल की प्रॉब्लम भी आती है, जैसे सुडोकू गेम है, मैप कलरिंग है, अगर हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ को हमने कलर करना है तो ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है, या फिर क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम है जिनको हम यूज करते हैं या जिनके अंदर हम यूज करते हैं सीएसपी मेथड। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो हम हर एक प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद थ्री कंपोनेंट्स वी डी एंड सी। यहां पे वी है, वी इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो हम यहां पे जनरली लेते हैं फाइनाइट वेरिएबल्स को ही हम यहां पे लेते हैं, तो v1 v2 अप टू vn हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। देन d इज अ सेट ऑफ डोमेन, d1 d2 d3 अगेन फाइनाइट डोमेन है, वन फॉर ईच वेरिएबल, मतलब जैसे अगर हम बात करें v1 वेरिएबल की डोमेन है d1, डोमेन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल रियल नंबर ले सकता है, एक वेरिएबल के अंदर हम लेट्स से नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक में होल नंबर ले रहे हैं, एक में हम अल्फाबेट ले रहे हैं, कुछ भी जो भी डोमेन मतलब क्या वैल्यू वो ले सकता है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। तो हर एक वेरिएबल की अपनी एक क्या है, डोमेन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी, दैट इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या है, यहां पे कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट मतलब काइंड ऑफ रूल्स है हमारे पास, जो बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हमने कैसे अलाउ करनी है, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल ले सकते हैं फ्रॉम देयर डोमेन, दैट इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट वैल्यू। तो कंस्ट्रेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, स्कोप एंड रिलेशन। स्कोप का मतलब है, स्कोप इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट पार्टिसिपेट इन द कंस्ट्रेंट। जैसे अगर हम बात करें, लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है v1 v2, लेट्स से हम दो वेरिएबल लेके चलते हैं v1 एंड v2। अब v1 की डोमेन हम लेके चलते हैं, लेट्स से डोमेन है उसकी a, और v2 की डोमेन है लेट्स से b, मतलब v1 जो है वो a डोमेन से वैल्यू ले रहा है, v2 जो है वो b डोमेन से वैल्यू ले रहा है। तो अगर हमने एक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है लेट्स से c1, और c1 कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि v1 और v2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की वैल्यूज अनइक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां पे अगर बात करें स्कोप की, तो स्कोप मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली हम लेते हैं बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी मतलब हम दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेट्स से मैं इस तरीके से लिख सकता हूं रिप्रेजेंटेशन v1 एंड v2, मतलब कौन कौन से दो स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या है कि किन वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, उस कंस्ट्रेंट में कौन कौन से वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे इस कंस्ट्रेंट में दो वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं v1 एंड v2। दूसरा क्या है, रिलेशन। रिलेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ रिलेशन दैट डिफाइन द वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन टेक। अब मेरा कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट कह रहा है कि v1 और v2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं सिंपल वे से रिप्रेजेंट कर दूंगा अपने कंस्ट्रेंट को। स्कोप मेरा कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, v1 एंड v2, और दूसरी चीज मेरे पास क्या है, रिलेशन। तो दोनों में रिलेशन क्या है, v1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू v2। बस ये बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कंस्ट्रेंट को इस तरीके से। एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं c1 कंस्ट्रेंट की बात करूं, तो लेट्स से मैंने v1 एंड v2 स्कोप लिख दिया, मतलब कौन कौन से दो वेरिएबल है मेरे, v1 एंड v2। और कंस्ट्रेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v1 कहां से वैल्यू ले रहा है, a डोमेन से। तो a अगर हम v1 की ले रहे हैं, तो v2 में हम क्या लेंगे, b वैल्यू जो है वो लेंगे, मतलब अगर v1 जो है वो a उठा रहा है, तो v2 क्या उठाएगा, b वैल्यू जो है वो यहां पे उठाएगा। तो इसका भी मतलब बेसिकली क्या होगा, इसका भी मतलब यही है कि दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से अगर मैं a और b की वैल्यू, लेट्स से a ले लेता हूं मैं 1 2,
वन और टू वैल्यू, मतलब वी वन जो है वो इस डोमेन से वैल्यू उठाएगा, बी की वैल्यू लेते हैं लेट से टू एंड फोर। तो अगर मुझे यहां पे कंस्ट्रेंट लिखना है कि वी वन एंड वी टू बराबर नहीं होने चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा अपने कंस्ट्रेंट को? मैं इस तरीके से लिख दूंगा वी वन वी टू, जो दो मेरे वेरिएबल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेरे कंस्ट्रेंट के अंदर जो रिलेशन है वो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं वन कॉमा, यहां पर मैं ले लेता हूं टू, क्योंकि ये देखो ए से मैंने वन उठा लिया, बी से मैंने टू उठा लिया, तो देखो दोनों बराबर है नहीं बराबर। तो यही हम चाहते हैं कि कंस्ट्रेंट मेरा क्या कह रहा है कि वी वन एंड वी टू बराबर नहीं होने चाहिए। और मैं क्या उठा सकता हूं यहां पे? और वैल्यू ले लो आप, लेट से यहां पे और वैल्यू ले सकते हो वन कॉमा फोर, 1.4 भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 2.2 हम ले सकते हैं? नहीं, अगर 2.2 ले रहे हैं तो मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मेरा यही यहां पे पर्पस है कि कैसे कंस्ट्रेंट को हम सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अपने रूल्स को हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो जितने आप रूल सेटिस्फाई करते जाओगे, आप अपना आंसर जो है वो उतना अचीव करते जाओगे। तो ये बेसिकली फंडा है किसका? कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का। तो अगर हम सुडोको गेम की भी बात करें तो सुडोको गेम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सुडोको गेम में भी हमारे पास कितने होते हैं? 81 स्केयर होते हैं। टोटल मेरे पास कितने स्केयर होते हैं यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमें पता ही है कि सुडोको में बेसिकली 9 × 9 81 स्केयर होते हैं, मतलब 3x3 की यहाँ पे मेरे पास कितनी होती है? 9 बॉक्सेस होते हैं, 3x3 के 9 बॉक्सेस होते हैं, जिनमें हम नंबर्स डालते हैं 1 से 9 के बीच में। 1 से 9 के बीच में हमारे पास कुछ नंबर्स ऑलरेडी ऐड होते हैं, कुछ कुछ प्लेसेस में हमारे पास नंबर्स ऑलरेडी लिखे होते हैं। तो हमने यहां पे अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? मेरे पास कितने स्पेस है, कितने स्पेस है मेरे पास? टोटल 81 स्पेस है। तो मेरे पास वेरिएबल्स कितने हो गए? 81। और अगर उनमें से ऑलरेडी कुछ जगह पे वेरिएबल लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो आप उतने ही कम यहां पे ले सकते हो। डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब मैं एक स्क्वायर में कौन कौन से नंबर डाल सकता हूं, डोमेन मतलब रेंज क्या है। तो डोमेन का मतलब है कि मैं 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहां पे डाल सकता हूं। तो ये मेरी डोमेन 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, 1 to 9, हरेक स्केयर की डोमेन क्या होगी? 1 to 9। लेकिन कंस्ट्रेंट यहां पे क्या है? कंस्ट्रेंट है कि पूरी रो में या उस कॉलम में वो सेम नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहां पे 1 लिख दिया इस स्केयर में, तो मेरा यहां पे और पूरे कॉलम में 1 नहीं आ सकता। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल, डोमेन एंड कंस्ट्रेंट, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। ऐसी मैप कलरिंग में भी अगर हम बात करें, तो मेरे पास जितने भी वर्टिसेस हैं, हमारे पास एजेस हैं, उनको हमने क्या देना है? वर्टिसेस को कलर देने हैं। अब उसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है कि नेबर्स को सेम कलर नहीं देना। तो वो मेरा वहां पर क्या हो गया? एक कंस्ट्रेंट हो गया, एक रूल हो गया। तो जितने हम अचीव करते जाएंगे अपने रूल, उतना ही हम अपने सोल्यूशन को इजीली अचीव जो है वो वहां पे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। थैंक यू।